पढ़ा था। मिस्टर सहाबी मिल सकते हैं ना, सहाबी का चेहरा हो सकता है, जैसे हजरत इमाम हसन का चेहरा नबी करीम से मुशाबे था, तो कल को ये थोड़ी हम कहेंगे कि रसूल अल्लाह हजरत इमाम हसन से मुशाबे थे, है ना। तो रसूल अल्लाह जो थे वो हजरत इब्राहिम से मुशाबे थे, खुद फरमाते थे कि मैं अपने जद इब्राहिम जद। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आमिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक। आमिर भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आज आप खट्टी मीठी बोटी बना रहे हैं, तो ये वाकई में खट्टी मीठी होती है? अरे वाकई में कैसे बताऊँ, अभी चख नहीं सकता बहन, लेकिन होती तो खट्टी मीठी है ये। जी आमिर भाई आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम सब घर वाले आपको बहुत शौक से देखते हैं शहर और अफ्तार में। बड़ी मोहब्बत, अल्लाह ताला आपको और भी ज्यादा हिम्मत इस्तेआत सेहत और तंदुरुस्ती लंबी जिंदगी अता करे, ताकि आप इसी तरह से लोगों की खिदमत और मदद करते रहें। आमिर भाई रमजान तो पहले से ही बहुत अच्छा और बरकतों से भरपूर होता है, लेकिन इस बार तो आपके शहर रमजान ने इसको मजीद खूबसूरत बना दिया है। और एक रिक्वेस्ट है आमिर भाई आपसे कि आप इसी सेट से हफ्ते में चाहे एक बार ही 2-3 घंटे के लिए प्रोग्राम करें। और इसी सेट से? हाँ जी इसी सेट से। ये तो जेजे तोड़ देगा, तैयारी में लगा हुआ है। हाँ जेजे तोड़ने में लगा। आमिर भाई आप जरूर इस अपना कंटिन्यू करें इस प्रोग्राम। नहीं नहीं जेजे लगा हुआ है इसको तोड़ने में, आपको पता ही नहीं है, पहले से नहीं। आप चाहेंगे तो वो नहीं तोड़ेंगे ना? कौन, अरे आप जेजे को नहीं जानती। अच्छा आमिर भाई, और ये हम सब आपको बहुत मिस करेंगे रमजान के बाद, और हम सब आपको हमेशा इसी तरह देखना चाहते हैं। और एक बात आमिर भाई, आपकी बेटी जो आप बहुत क्यूट है, वो बिल्कुल आप जैसी लगती है। आप बहुत अच्छे हैं और हम आपको बहुत पसंद करते हैं, और आप किसी ना किसी तरह हम लोगों के सामने यूं ही प्रोग्राम करते रहें, ताकि हम लोग आपसे मुस्तफीद होते रहें। इंशाल्लाह मेरी बहन, बहुत बहुत दुआएं आपके लिए। और बहुत जी जी बहुत से लोग गाय रास्ते आ रहे हैं, बहुत से आने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज आप जरूर इस तरह का प्रोग्राम कंटिन्यू करें, या डिजिटल पे, ताकि हम लोग डिजिटल पे करें या क्यू पे करें, कहीं भी करें, लेकिन हम लोग आपको इसी तरह देखना चाहते हैं। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती लंबी जिंदगी अता करें, और हम लोगों के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। और आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, देख के ही लगता है, तो जाहिर है टेस्टी बहुत होगा। और नेकी का भी सेगमेंट बहुत अच्छा होता है आपका, माशाल्लाह, और बहुत अच्छे मेहमान आते हैं। और आमिर भाई आप काफी दिन से गेस्ट नहीं बुला रहे, जो सेलिब्रिटी बुलाते हैं आपको? जी बस वो इंशाल्लाह देखिए आखिरी 1-2 दिन है, कुछ करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा है बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। जी जी करवाइए। आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम। आमिर भाई आपका कुकिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा जी, आप सीख भी रही हैं कुछ या घबराई भी हैं? जी हाँ जी, आपने जो बिरयानी बनाई थी वो बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन लाइफ की वजह से मुझसे रेसिपी मिस हो गई थी, क्या आप रिपीट कर देंगे दोबारा इसको? बस वो रिपीट तो जाहिर है कि आपको देखना चाहिए, तो खैर चलिए इंशाल्लाह फिर कभी कोई ना कोई आपको चीज़ बना कर दिखाएंगे अभी 2 दिन के अंदर। जी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप उसे पूरा कर देंगे? बताइए। आप उषा भाभी को भी आप कुकिंग प्रोग्राम में आपके साथ लाए ना, वो जो नेकी प्रोग्राम कर रही हैं उनका नेकी सेगमेंट बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं कि इस नेकी करने वाले को भी हम देखें। जी जी वो आवाज़ उनकी आती है, वो असल में जी जी हाँ जी टीवी पर आती नहीं, वो होस्ट कर रही हैं प्रोग्राम को बहुत अच्छा। जी होस्ट नहीं करती वो, असल में उनकी आवाज़ होती है, वॉइस ओवर होस्ट तो कोई भी नहीं करता उस प्रोग्राम को। अच्छा हाँ, बस उनकी आवाज़ होती है, वो आती नहीं है टेलीविज़न पे, तो आप लोग इसरार करें तो आ जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ जी, तो हम तो बहुत इसरार करें, आप देख के आए ना हमने, आप लोग इसरार करें ना, बस मैं उनको कह दूंगा भी देखो लोग क्या कह रहे हैं। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, ये तकरीबन बोटियाँ बन गई हैं, और अब हम इनको ग्रिल करेंगे। ग्रिल बहुत आसान है करना, वो तो आप लोग सीख ही गए होंगे, मैंने ज़्यादातर इन दिनों में जितने भी अशाइये में डिशेस की हैं वो सब ग्रिल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अतिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अतिया आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अतिया, अल्लाह के करम। लीजिए अतिया की तो कॉल ही मिस हो गई। एक और कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर, जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपको ईद की मुबारकबाद दे रही हूँ। ईद की अभी से दे दी? और आपका शो बहुत अच्छा है। आपने ईद की अभी से दे दी मुबारक। आपकी मुल्क की तो नहीं हो, अरे लेकिन आपकी शो को हमेशा देखती रही हूँ। अच्छा, ईद की आपने मुबारकबाद अभी से क्यों दे दी मुझे? मैं इंडिया चली जाऊंगी इसलिए। अच्छा, तो मैं आपका शो हमेशा देखती थी सऊदी अरब में, और मुझे बहुत अच्छा लगता था आपका शो। मैंने बस मुझे ऐसा लगता था कि हम लोगों के यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, और आपके आप जो बात करते हैं, बात करने का अंदाज बहुत ही अच्छा है। तो आप इंडिया में किस जगह रहती हैं? इंडिया में किस जगह रहती हैं? मैं एमपी में रहती हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, मध्य प्रदेश में रहती हैं? जी। मध्य प्रदेश किस जगह पर? जी दिल्ली, दिल्ली से आगे भोपाल। अच्छा, भोपाल में हैं आप? जी अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो बस मैंने कहा कि मैं भी ये ना कॉल करूं, और बस आपको ये शो का बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूं, और आप दोबारा भी कुछ ऐसा करें। अभी तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएंगे, छुट्टी पर जा रहे हैं। भोपाल के लोग जो हैं वो भोपाल के लोग भोपाली कहलाते हैं ना? भोपाली जी, भोपाल के लोग भोपाली कहलाते हैं ना? भोपाली जी। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो आपने वो आपके वो भारत में एक फिल्म थी ना शोले, उसमें था ना सुरमा भोपाली? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और है ना, बस जो दीनी तालीम और जो मतलब एक बारीकी से इस्लाम को पहचानना, और मैंने इसीलिए फोन किया कि हम अलग हैं मगर मुस्लिम में तो एक ही है ना, किसी भी कोने में रहे मुसलमान भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, यकीनन हम सब एक हैं, क्यों नहीं है, बिल्कुल एक हैं। जी जी, चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बड़ी मेहरबानी। और नाज़रीन किराम, ये सारी बोटियाँ इसमें मैंने लगा दी हैं इस दौरान, और अब मैं इनको ग्रिल करूँगा। ग्रिल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बन जाएंगी थोड़ी सी। बस हमने एक गड़बड़ ये की कि बोटियों को सही तरह से हमने काटने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। चल हाँ जी, अब जनाब ये ग्रिल है, इसको गरम पे रखा, ठीक है जी। सफाई भी साथ साथ होती रहनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। हाँ जनाब, मेहनत तलब काम होते हैं सारे। ग्रिल में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, या चाहें तो कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल ज़रा बेहतर रहता है। अच्छा, ये डालते इसलिए हम ताकि चिपके नहीं, और थोड़ा सा लुक इसका ज़बरदस्त आए। ये लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा डल है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ हम इसको ग्रिल को हमारी जो है और अब इस पर हम रखेंगे